और अपने बारे में बताइए, खुद से कहाँ से संगीत के सफर की शुरुआत हुई और किस तरह से आपका दौर रहा संगीत सफर का? मेरी ईस्ट बेबी मैं पूजा करती हूँ और खंजर जला रहा, तो बस यही लगा कि मतलब सोच के लगा कि कुछ करना चाहिए, और ये जो वो सब मैं सोचती रही और लिखती रही। तो क्या भक्ति एल्बम में, एल्बम के बारे में जानना चाहूँगा कि किस तरह का विषय है और कैसा अनुभव था एल्बम में काम करने के दौरान? बहुत अच्छा है, मतलब मैं अभी भी ऐसा लग रहा है जैसे मैं सपने में खोई हुई हूँ, सच में ये सब हो रहा है क्या? और मैं तो बड़ा खुशनसीब हूँ कि मेरी पत्नी ने इतना अच्छा गाया, मेरी समझ से तो अच्छा गाया, अब वो रिजल्ट बाद में मिलेगा। बाकी मैं तो अपने आप खुश महसूस कर रहा हूँ कि अच्छा कर रही है, और अभी तो मेरी समझ ये अंगड़ाई है, तो अभी हमारे 12 भजन और तैयार हैं, उनकी तैयारी भगवान जी के सहयोग से करेंगे और आपके मुंबई में ही करेंगे। जी, आप आपका अनुभव कैसा रहा अनिता जी के साथ काम करने का? मेरा इनके साथ काम करने का अनुभव बहुत शानदार रहा, मुझे भी कुछ सीखने को मिला, प्रोड्यूसर साहब से भी सीखने को मिला, मैम से भी सीखने को मिला, काफ़ी अच्छा इनका वर्चस्व है एमपी में, खूब अच्छा इनका भजन संध्या, अभी भी 10 तारीख को इनका लाइव परफॉर्मेंस है इंदौर में, तो बैक टू बैक इनके शोज होते रहते हैं, इनको एक प्रेरणा मिली, इन्होंने मुझसे डिस्कस की, मैंने इनको मार्गदर्शन दिया कि ठीक है इस तरीके से हम कर सकते हैं, तो अब जाके हम लोगों ने एल्बम गाया, इसका शीर्षक है मेरी मां। प्रमोद भाई, आप बताइए, आपने भी अपीयरेंस किया, कैसा अनुभव था आपका? नहीं, मैं तो जैसा विवान ने बताया कि प्रमोद भाई, मैं ही मेरी माँ एल्बम लेके आ रहा हूँ बॉम्बे इंदौर से, और अनिता जी ने बड़ा अच्छा जो है, बहुत अच्छे सिंगर हैं, बहुत अच्छे इन्होंने काम किया वीडियो में, लेकिन अभी कोई बात नहीं, भी हमारा अपना अभी प्रोडक्शन हाउस है गौरांग का, आप लोग वो गौरांग के नाम से यहाँ पर रिलीज कर सकते हैं, और ये एक अच्छी शुरुआत है, मैं समझता हूँ भाई माँ दुर्गा का आगमन आने वाले समय में, नवरात्रि शुरू होने वाली है, उससे पहले अनिता जी ने अपना ये शुरुआत ये कर दिया, तो आने वाले समय में अनिता जी को और अच्छे भाई इवेंट मिले, प्रोग्राम करें और अच्छी रिकॉर्डिंग हो। तो क्या भक्ति संगीत में आपका महारत हासिल है और मुंबई आई हैं, तो क्या प्लानिंग है, मतलब आगे चल के क्या भविष्य देख रही हैं आप? नहीं नहीं, हॉल शो भी होते हैं, भक्ति भी करती हूं, हॉल शो भी करते रहते हैं हम लोग फिल्मी गाने। तो मुंबई में तो आई हैं आप, क्या विजन लेके यहाँ बॉलीवुड है फिल्म इंडस्ट्री अभी यहाँ सहयोग रहेगा तो मैं अच्छे से अच्छा गाना चाहूँगी। मुंबई बनाने की जरूरत नहीं है, आप क्यों आ रहे हैं? यहाँ पर जो आते हैं सपनों की नगरी है, पहले यहाँ पर आने के बाद में अगर बॉलीवुड के अंदर कोई जगह नहीं मिली तो कुछ ही हमारे प्रमोद सर जी हैं जो रविंद्र जी के साथ के हैं शुरू से, रविंद्र जैन साहब जी के साथ उनके मैनेजर रहे हैं पहले, और पोते भी मानते हैं इनको, तो आज इन्हीं के मार्गदर्शन में बहुत सारे काम हम कर चुके हैं, और इंशाल्लाह कि आगे इनके साथ भी बहुत सारे काम हम साथ में करेंगे, आज ये सपना लेके आए हैं तो माँ पूरी करेंगे, आप लोगों का सपोर्ट है, आप ही लोग हैं। मैम, आपसे जानना चाहेंगे, बॉलीवुड में बहुत सारे गाने हैं, आपका ऐसा कोई पसंदीदा गाना है बॉलीवुड में, या फिर कोई सिंगर हो जिसे आप इंस्पायर हो, अगर उस बारे में कुछ बताएं आप? हाँ, लता मंगेशकर हैं, और आप सब लोगों के लिए दो लाइन गाऊंगी। जी जरूर। इस गाने की भी हो जाए दो लाइनें। यस मैम। जी मैम। मेरा वाली अम्बी माँ छोटा वाली, अम्बी माँ मेरा वाली किधर चले, माँ के दर्श